बढ़े आगे, राइट। यह है थोड़ा सा इनडेप्थ ओवरव्यू जो आपने पढ़ा। आप दिख रहे हैं, आपको चारों फाइल दिख रही हैं? दिख रही हैं तो बताइए, ये कौन? ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, राइट, इसको प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये कौन? ये मैपिंग फाइल जो आप बनाएंगे, राइट। ये हाइबरनेट के लिए बन रही हैं, ये हाइबरनेट के लिए बन रही हैं, यस। जावा क्लास में आप इनको यूज नहीं करेंगे, अपने कोड में इन्हें यूज नहीं करेंगे, नहीं, बस एक नाम लेंगे हाइबरनेट को बताने के लिए कि इसको लोड कर लो। हम उसको बोलेंगे जाओ कॉन्फ़िगरेशन को लोड करो, कॉन्फ़िगरेशन उसे भेजेगी मैपिंग के पास, राइट। इसके अलावा आपकी फिर ये पोजो क्लास, बीन क्लास, एंटिटी क्लास, ये सब रहेंगी, और यहां कहीं बैठी रहेगी इन सबको कंट्रोल करने वाली क्लास। कौन सी क्लास? आपकी मेन क्लास। इस मेन क्लास के अंदर आप इन पोजोस के, बीन्स के ऑब्जेक्ट्स बनाकर, हाइबरनेट के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बनाकर अपना कम्युनिकेशन करेंगे डेटाबेसेस से। हुआ क्लियर? अब मैपिंग फाइल के आ जाए कोड पे, टेक्निकल डिस्कशन कर लें अब थोड़ा सा मैपिंग को लेकर। चलिए अब आ जाइए मैपिंग फाइल पे। मैपिंग फाइल, जैसा मैंने कहा, हाइबरनेट की हार्ट बीट है। एक्चुअल काम मैपिंग फाइल से ही होगा जब वो डेटा को सेव और रिट्रीव कराने का काम करवाएगी। मैपिंग फाइल ये बताती है हाइबरनेट को कौन सी जावा क्लास कौन सी बैकएंड टेबल के साथ कम्युनिकेट करेगी। तो इसमें कितनी एंट्रीज होती होंगी, गेस करिए। ब्रॉड वर्ड्स में बोले तो दो, एक एंट्री क्लास की, एक एंट्री क्लास के डेटा की, या डेटाबेस की भाषा में बोले तो एक एंट्री टेबल की, एक एंट्री टेबल के कॉलम्स की। आर यू गेटिंग दिस? वेरी गुड। अब आ जाइए इसके सैंपल कोड पे। सबसे पहली बात, इस मैपिंग फाइल का नाम क्या रखना है? इस मैपिंग फाइल का आप जो मनाए वो नाम रख सकते हैं, जो मनाए। बट हाइबरनेट इसमें भी आपको रिकमेंड करता है, क्या रिकमेंड करता है? जो आपकी परसिस्टेंट क्लास है उसका नाम .hbm.xml रखें। और ना माने हाइबरनेट की बात तो, ना माने हाइबरनेट की बात तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत मानिए, लेकिन एक्सटेंशन XML रखना है। तो मैं इसको mymapping.xml बोल सकता हूं, mymapping.xml बोल सकता हूं, और मैं इसको abc.txt भी बोल सकता हूं, नहीं .txt नहीं बोल सकते, एक्सटेंशन हैज टू बी .xml। तो abc.xml चलेगा? चलेगा। लेकिन आप सोचिए, जब आपका प्रोजेक्ट ग्रो करेगा, एक टेबल है तो ठीक है, जब प्रोजेक्ट ग्रो करेगा तो बहुत सारी टेबल्स होंगी। आप abc.xml या mymapping.xml देखकर कहां समझ में आ रहा है कि ये कौन सी टेबल की मैपिंग फाइल है? यस और नो, राइट। इसलिए हाइबरनेट कहता है आप इसका नाम एंटिटी क्लास के नाम पे रखो। फिर आता है ये बीच में hbm क्यों आ रहा है? तो hbm का फुल फॉर्म तो सभी गेस कर पा रहे होंगे, hbm स्टैंड्स फॉर हाइबरनेट मैपिंग। ये क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है ताकि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाए किससे? कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन का भी तो एक्सटेंशन .xml होगा, होगा कि नहीं? आप डिफरेंशिएट कर पाए कि हाइबरनेट कर पाए? आपके लिए है कि हाइबरनेट के लिए है? आपके लिए है। हाइबरनेट तो आपके कहे अनुसार चलेगा, अपने मन से थोड़ी चलेगा, हाइबरनेट तो आपके डायरेक्शंस पे चलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये मैपिंग है और ये कॉन्फ़िगरेशन है। आया समझ? ये रिकमेंडेड नेम है, बाकी आपको जो नाम देना हो आप दे सकते हैं, चॉइस आपकी है। और इसके दो एक्सटेंशन है कि एक एक्सटेंशन है? एक ही है, गलती से इसको एक्सटेंशन मत मान लीजिएगा, ये एक्सटेंशन नहीं है, ये नाम का पार्ट है, एक्सटेंशन एक ही है .xml। यस, इट इज जस्ट फॉर रीडेबिलिटी, बाकी नाम तो आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं इसका नाम employee.xml भी रख सकता था, अगर मेरी persistent क्लास का नाम employee है, बिल्कुल रख सकते थे, राइट। एंड फॉर ईच persistent और डोमेन क्लास वी क्रिएट वन मैपिंग फाइल। और एक से ज्यादा persistent क्लासेस हुई तो पढ़िए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पढ़िए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। इफ द एप्लीकेशन कंटेन्स मल्टीपल persistent क्लासेस, देन इट इज स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड टू क्रिएट अ सेपरेट मैपिंग फाइल फॉर ईच क्लास। स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड के रूल ही है, रिकमेंडेड है, रूल नहीं है। आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, अपनी मर्जी से एक ही में सारी क्लासेस की डिटेल डाल सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है, राइट। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस एट द इंडस्ट्री लेवल, ठीक। चलिए अब लास्ट पार्ट आज का, ये है हाइबरनेट मैपिंग, ठीक है। ध्यान से देखिए, सब समझ में आएगा आपको सिवाय एक चीज के,
पहले आप देख लीजिए, पढ़ लें तो डन लिखिए, फिर मैं बातचीत स्टार्ट करूं। डन। चलिए बताइए। नंबर वन, ये XML फाइल है। अब XML के बारे में मैं आपको तीन बातें बहुत अच्छे से समझा दूं। आप सबको HTML याद है ना? HTML से कंपेयर करते हैं। नंबर वन, HTML केस सेंसिटिव है कि नॉन केस सेंसिटिव है? HTML नॉन केस सेंसिटिव है। XML याद रखिएगा, इट्स हाईली केस सेंसिटिव। XML के बारे में याद रखिएगा, इट इज हाईली केस सेंसिटिव। पॉइंट नंबर वन, राइट। पॉइंट नंबर टू, HTML के अंदर हर ओपनिंग टैग का क्लोजिंग होना जरूरी होता है क्या? हर ओपनिंग का क्लोजिंग होना जरूरी होता है क्या? नहीं होता। ढेरों टैग HTML में आपने पढ़े होंगे जिनका क्लोजिंग नहीं देते, जैसे IMG नहीं देते ना आप इसका क्लोजिंग टैग, जैसे लिंक टैग नहीं देते ना इसका, और ये सब सिंगलटन कहलाते हैं। ये सब HTML की वोकैबुलरी में सिंगलटन टैग्स कहलाते हैं। XML में हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे टैग को ओपन करा, अंदर डिटेल्स दी और फॉरवर्ड स्लैश से टैग को बंद करा, या फिर टैग करा ओपन, यहां डिटेल्स दी और फॉरवर्ड स्लैश एंगुलर ब्रैकेट से बंद करा। ये वाला स्टाइल कब यूज करते हैं? राइट वाला, जब टैग की कोई बॉडी नहीं होती है। ये वाला स्टाइल यूज करते हैं जब टैग की कोई बॉडी नहीं होती है। और ये वाला स्टाइल कब यूज करते हैं? जब टैग की बॉडी होती है। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? तो अब मुझे बताइए जरा एग्जांपल की तरफ देखकर, ये जो क्लास नाम का टैग है इसकी बॉडी है? हाँ इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी में बाकी टैग्स आ रहे हैं, राइट। इसके लिए ये राइट वाला सिंटेक्स नहीं फॉलो होगा, इसके लिए ये राइट वाला सिंटेक्स फॉलो नहीं होगा। और इन टैग्स की बॉडी नहीं है, आईडी प्रॉपर्टी नहीं है, इनके सिर्फ एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके लिए हम ये राइट साइड वाला सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं। तो हम ये लेफ्ट वाला भी कर सकते हैं क्या? आईडी प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताओ? ऐसे करेंगे, आप आईडी लिखोगे, यहां इसकी सारी डिटेल दोगे, बंद करोगे, फिर फॉरवर्ड स्लैश करके आईडी बंद कर दो। लेकिन ये जबरदस्ती की मेहनत है ना, ये जबरदस्ती की मेहनत है ना, है ना, इसलिए इसको हम एक ही टैग के थ्रू क्लोज करवा देते हैं। आया समझ? क्लियर हुआ? हुआ। तीसरा डिफरेंस HTML और XML का, तीसरा डिफरेंस, HTML में कोई रूट टैग हो ऐसा जरूरी है? जैसे आपने पढ़ा होगा HTML में सबसे ऊपर HTML टैग होता है, होता है ना? अच्छा, अगर मैं ये HTML टैग ना बनाऊं तो भी मेरा HTML पेज रन होता है? अगर मैं हेड और बॉडी लिख दूं बस, होता है? XML में नहीं होता है। XML कहता है उसे एक रूट टैग चाहिए। और क्यों चाहिए? आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है तो XML का इंटरनली ट्री बनता है। XML का इंटरनली ट्री बनता है, और आपको याद होगा ट्री में एक रूट नोड होना जरूरी है। ट्री में एक रूट नोड होना जरूरी है, यस, एक रूट नोड चाहिए। तो यहां पर वो रूट नोड कौन है? यहां पर वो रूट नोड हाइबरनेट मैपिंग है। तो सब इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, सब इसी के अंदर लिखना पड़ेगा, एक लाइन इसके बाहर नहीं जाएगी, चली गई एरर आ जाएगी। XML इतनी स्ट्रिक्ट है अपने टैग्स को लेकर। तो क्या तीन चीजें अलाउड नहीं है? बिना रूट टैग के XML नहीं बनती, हालांकि हर XML का रूट टैग अलग होता है। आप अगर एडवांस जावा याद करें तो web.xml का रूट टैग web-app हुआ करता था, याद है आपको? उसके अंदर फिर आप सर्वलेट की डिटेल्स देते थे, है ना? ऐसे यहां पर रूट टैग hibernate-mapping है। दूसरा, ये सारे टैग्स केस सेंसिटिव हैं। तीसरा, हर टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग चाहिए, बस, इससे ज्यादा XML की कोई जरूरत आपको नहीं है। ये तीन बातें याद रखिए, हमेशा XML समझ में आ जाएगी आपको। हुआ क्लियर? आया समझ? ठीक। अब नोटिस करिए, हाइबरनेट मैपिंग के अंदर अपन ने क्या डिफाइन करा हुआ है? अपन ने डिफाइन करी हुई है क्लास। तो क्लास मतलब क्लास ही लिखना पड़ेगा? हाँ, ये प्री डिफाइंड टैग है, आप अपने मन से नहीं बना रहे हैं, ये फिक्स टैग है, क्लास ही देना पड़ेगा। क्लास टैग के दो एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या? एक नेम
और एक टेबल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है दोनों, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझ आ रहा होगा, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है। ये कौन है स्टूडेंट? ये आपकी जावा क्लास है, ये आपकी जावा क्लास है, और ये कौन है स्टूडेंट्स? ये आपकी टेबल है। तो इन दोनों का नाम सेम होना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। तो ये स्कॉलर हो सकती थी, स्कॉलर के नाम की टेबल बिल्कुल हो सकती थी, आपको जो मना है वो नाम आप दे सकते हैं। हाइबर्नेट बस कहता है नाम मेंशन कर दीजिए। हुआ क्लियर? हुआ क्लियर? अब मैं आईडी समझाऊंगा आपको मंडे, आईडी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसको मंडे पढ़ेंगे, बाकी दो पहले पढ़ लेते हैं। अगला टैग आ रहा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी टैग से क्या करते हैं? प्रॉपर्टी टैग से हाइबर्नेट को यह बताते हैं कि हमारी जावा क्लास का कौन सा डेटा हमारी डेटाबेस टेबल के कौन से कॉलम से एसोसिएट होगा, मतलब मैप होगा। तो ये क्या बता रहा है? नेम। ये बता रहा है इस स्टूडेंट क्लास के अंदर जरूर एक नेम नाम का डेटा मेंबर है, ये नेम नाम का डेटा मेंबर कनेक्ट होना चाहिए एस अंडरस्कोर नेम नाम के कॉलम से। तो ये कॉलम होगा टेबल में? ये कॉलम टेबल में होगा? हाँ बिल्कुल, ये टेबल भी होनी चाहिए। हाँ होनी तो चाहिए, लेकिन हाइबर्नेट ये चांस भी देता है कि नहीं होगी तो बना देगा, बना देगा, बिल्कुल बना देगा, नहीं होगी तो बना देगा, लेकिन अभी हम मान रहे हैं है। तो यहां पर एस अंडरस्कोर नेम कॉलम हो गया, एस अंडरस्कोर नेम कनेक्ट होगा नेम से, मतलब जब हम लोग सेव कॉल करेंगे और सेव को हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट देंगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट एस टी के नाम से है, तो इसके अंदर जो नेम नाम का डेटा मेंबर है हाइबर्नेट उसे ले जाकर एस नेम में सेव करेगा। आ रहा है समझ? राइट right? ऐसे ही गेस करिए, एड्रेस कनेक्टेड होगा एस अंडरस्कोर एडीडीआर से। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब एड्रेस जाकर सेव होगा एस अंडरस्कोर एडीडीआर में। गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ? राइट अब मंडे बात करेंगे इस टैग के बारे में विच इज आईडी टैग। मंडे ही बात करेंगे कॉन्फ़िगरेशन। मंडे का लेक्चर आज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडे कॉन्फ़िगरेशन फाइल की बात होगी और उसके बाद हाइबर्नेट की बूटस्ट्रैपिंग में क्या क्या होता है इस बारे में बातचीत होगी। ओके चलिए मिलते हैं मंडे। ओके आईडी का ओवरव्यू दे दूं अभी? कैसे दे दूं हिमांशु? मंडे आओ, मंडे मिलेगा ओवरव्यू? ओवरव्यू लायक नहीं है ना डिस्कशन, लंबा चौड़ा डिस्कशन है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। यस वृष्टि, प्राइमरी की आईडी इज प्राइमरी की कॉलम। हाइबर्नेट खत्म होने के बाद क्या प्रोजेक्ट होगा? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं अपन प्रोजेक्ट, डेफिनेटली। ठीक है नहीं उमेश ऐसे नहीं करेगा, उसके लिए बताना पड़ेगा उसे, अपने मन से नहीं बना देगा। सिराज मैं मंडे करता हूं आप लोगों से टाइमिंग और डिस्कस, ठीक है? टाइमिंग बढ़ाना है ना तो अपन या तो आवर्स इंक्रीज कर देंगे या डे कर देंगे, लेकिन मंडे बात करके पहले मुझे समझ में आ जाए बैच स्ट्रेंथ कितनी हो रही है, कितने लोग फाइनली इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, पहले ये पता तो चले। अभी तो सब डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं ना, बैच का एक्चुअल स्ट्रेंथ मिलने दीजिए मुझे, आई लेट यू नो। फाइन, हाँ इवनिंग ही रहेगा संभव, मॉर्निंग तो होगा भी नहीं। ठीक चलिए बाय बाय, टेक केयर।